आपको बताते चले, घास काटने गए खेत में राजनगर निवासी राजेश हलदार को जहरीले सांप ने काट दिया, जिसकी वजह से राजेश हलदार की हालत खराब होने पर परिजनों का कहना है हम इसको बिलासपुर और बाजपुर इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन वहां पर हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। उसके बाद गांव के ही रहने वाले कुछ ऐसे लोगों को दिखाया जो सांप का जहर उतार दिया करते थे, उसने भी राजेश हलदार की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाया। हालत मंगलवार को ज्यादा बिगड़ गई, कई डॉक्टर को दिखाने पर स्थानीय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिपोर्टर मनोज हलदार। 20 तारीख को शाम 6 बजे करीब घास काटने गए थे, चारा काटने बंदे के किनारे, उस सांप ने, जहरीले सांप ने जो है उनको डस दिया। उसके उपरांत उनका इलाज चलता रहा, बिलासपुर ले गए, वहाँ मना कर दिया। उसके बाद बाजपुर ले गए, वहाँ भी मना करने के कारण आनन फानन में आपका जो हमारे भरारे होते हैं उन्हीं के माध्यम से इलाज हुआ, और उसके बाद उनको कल दोपहर घर ले आए। उसके बाद तबीयत बिगड़ने के कारण आज सुबह उनको डॉक्टर जर्मन आचार्य शक्ति भार में ले गए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। नाम राजेश हलदार, पिता का नाम रमेश हलदार, और इनकी उम्र जो है 33 साल है।